चलिए एक्सरसाइज 8.4 का हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर हमको इनमें से कोई एक करेक्ट ऑप्शन चुनना है। यहाँ पर कुछ इक्वेशंस लिखी हैं, 9 sec² - 9 tan² इसकी क्या वैल्यू होगी, इसमें से हमको ये निकालना है। अभी जो हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी उनके आधार पर ही हमको निकालना है। देख ले जरा हम इसको, 9 sec² - 9 tan² इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। इसमें से क्या होगा, इसमें से हम पहले 9 को कॉमन ले लेंगे, sec² - 10² ठीक है। हमने कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़े थे, देखो 10 और sec के कॉम्बिनेशन में 10 + 10² θ = sec² θ, इसको थीटा बोले या ए बोले। अब इसमें से हमको sec और 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यदि हम इस 10 को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस टाइप से हो जाएगा, ये sec² - 10 उस साइड जाएगा तो sec के साथ, तो 10² = 1। ये देखिए इसमें भी वही लिखा हुआ है, इसलिए हम ये आइडेंटिटी यहाँ पर पुट कर देंगे और इसकी वैल्यू हम 1 यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 9। अब आप इसमें देख सकते हैं इसमें ऑप्शन बी 9 है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नंबर 2, 1 + tan θ + sec θ * 1 + cot θ - cosec θ, इसकी हमको वैल्यू निकालना है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें कोई भी आइडेंटिटी का यूज़ जो हमने यहाँ पर निकाले थे इसमें से, किसी का यूज इसमें नहीं हो पा रहा है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, 10 को sec को इनको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 + 10 की वैल्यू आपको पता है, sin/cos, और sec की वैल्यू भी आपको पता है क्या होती है, 1/cos θ, ये हो गया। इनटू इसी तरीके से हम cot को चेंज कर लेंगे, sin का उल्टा, 10 का उल्टा होता है तो cos θ / sin θ - cosec θ जो है वो 1/sin होता है, sin θ, ठीक है। अब हम इसका इस पार्ट का एलसीएम ले लेंगे तो क्या जाएगा, cos θ, इसके नीचे 1 ले लीजिए तो ये इसका मल्टीप्लाई होके यहाँ पर आ जाएगा cos θ। ये cos है इसलिए जो ऊपर लिखा हुआ है वो सेम टू सेम आ जाएगा न्यूमरेटर, sin θ इसके ऊपर लिखा हुआ है 1, तो ये 1 आ जाएगा। इसी टाइप से इसको ब्रैकेट लगा दीजिए, इसी टाइप से इस साइड भी हम एलसीएम ले लेंगे तो sin θ हो जाएगा, इसके नीचे 1 मानिए, 1 + cos θ, सॉरी इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये sin θ हो जाएगा, sin θ + cos θ - 1, इस टाइप से वैल्यू हो जाएगी। अब आप इसमें ज़रा ध्यान से देखिए, सिर्फ अपने समझने की स्थिति पर है। देखिए ज़रा, cos θ sin θ + 1, cos θ cos θ, या sin cos, ये दोनों सेम टर्म है, ठीक है। sin + cos + sin या sin + cos, एक ही मान लीजिए आप इसको, तो इन दोनों में प्लस 1 है, यहाँ -1 है। यदि हम इस टर्म को ए बोलें, इस टर्म को बी बोलें, तो ए इसको बोलें बी, ए वाला ए और ए वाला बी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, ए फॉर्मूला बन रहा है इसका। इसका क्या होता है, a² - b², ठीक है। इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, इस टाइप से हो जाएगा sin θ + cos θ, ये टर्म ए है तो इसका स्क्वायर माइनस 1, टर्म बी है तो बी का स्क्वायर, अपॉन कॉस मल्टीप्लाई साइन, तो sin θ cos θ, ठीक है। अब ए प्लस बी लिखा हुआ है, अब हम इसको ये टर्म माने और इसको बी टर्म माने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab,
इस टाइप से होता है। अब हम इनको ये भी मान लिया है, तो इसमें हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर माइनस वन का स्क्वायर वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए ये जो टर्म है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, आपने पहले से ही पढ़ रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, इसके लिए हम वन मानेंगे इसको, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, वन प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये वन इससे माइनस हो गया है, अभी क्या बचा टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गए, वैल्यू क्या आ गई टू। तो आपका आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन बी था, इसका ऑप्शन सी हो गया। इसको हमको सॉल्व करना है, इसमें भी हम कोई आइडेंटिटी यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इस टाइप की कोई आइडेंटिटी है नहीं, इसलिए हम इसको चेंज कर लेते हैं। सेक की वैल्यू होती है वन अपॉन कॉस ए प्लस टेन की वैल्यू हो गई है साइन ए अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई, ठीक है, वन माइनस साइन ए, इसके नीचे चाहें तो आप वन ले लें। इनका एलसीएम आएगा कॉस ए वन प्लस साइन ए मल्टीप्लाई वन माइनस साइन ए अपॉन वन। देखिए वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी हो गया, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन नंबर टू में देखा है। तो क्या हो, क्या सॉल्व होगा इसका, ए का स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब वन वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वन माइनस साइन ए के लिए हमने कुछ आइडेंटिटी निकाली थी, यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ये यदि हमको आइडेंटिटी साइन के टर्म में चाहिए, हम साइन साइड ले जाएंगे जैसे, तो क्या हो जाएगा इसमें, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी हमारी बन रही है इससे। देखिए अब वन माइनस साइन स्क्वायर के लिए हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ये कॉस स्क्वायर ए कॉस ए, तो इसको काटेंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा कॉस ए। देखिए इसमें क्या पर है डी, इसमें टर्म डी ही है। क्वेश्चन नंबर फोर में हमको वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। आपको पहले से ही आइडेंटिटीज में मैंने बताया हुआ था, देखिए ज़रा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, सेक की वैल्यू होती है वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए, वन अपॉन कॉस होता है तो स्क्वायर लगा दिया, कॉसेक की वैल्यू होती है वन अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी हो गया, यानी इस टाइप से हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन वन, यानी ये वैल्यू क्या हो गई है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन, टेन स्क्वायर ए, ये इसका आंसर है। अब आप देखिए क्या है इसमें से टेन स्क्वायर ए, तो इसका आंसर क्या हो गया डी।